हेलो एंड वेलकम साथियों मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत साथियों आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स कुछ पहले कुछ क्लासेस है आप दोस्तों के साथ जेके आस बी अकाउंट ऑफिसंस के मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी ईच एंड एवरी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं सर उसके लिए एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है हर एक टॉपिक अगर आपने सीखना है जेके एस भी अकाउंट ऑफ फाइनेंस के मैथमेटिक्स के लिए कोई भी टॉपिक आपने सीखना होगा तो हर एक टॉपिक के लिए आपके लिए अलग अलग वीडियो क्लास हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की हुई है हर एक टॉपिक पर बारीकी से हमने कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं उन पर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं जो दोस्त अभी आपके आपके पास ऑलमोस्ट सर ट्वेंटी एट से ज़्यादा डेज का टाइम मिल रहा है तो आप दो जिन्होंने अभी मैथमेटिक्स में जिन्हें लगता है सर हमें और कोशिश करनी है हमें और पढ़ना है तो उन दोस्तों के लिए एक प्ले लिस्ट बनी हुई है आप आपसे गुजारिश है कि वो प्ले लिस्ट देखिए उससे आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो पिछली कुछ क्लासेस है उन साथियों के लिए जिन दोस्तों ने ऑलरेडी सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है रिवीजन के लिए उनके लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है ताकि आप जो है आपकी जो प्रेपरेशन है वो बड़े बेहतरीन तरीके से चलती रहे तो चलिए सर पिछली एक क्लास है आपके पास वैक्टर्स का कंसर्ट स्टार्ट किया तो उस पर हमने पहली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे आज की क्लास में वैक्टर्स पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लास आपके पास जेके ऐसे भी अकाउंटर्स फाइनेंस के लिए मैथमेटिक्स के पार्ट के लिए हो रही है तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं

चार आप दोस्तों के पास ऑप्शन आपके टू ऑप्शन बी तीन ऑप्शन सी फोर एंड ऑप्शन डी जो है वो फाइव है तो करने का तरीका क्या है जो दोस्त पहले से जुड़े हैं उनसे पता ही है सर करने का तरीका क्या है वीडियो को आप पास करेंगे और खुद अटेम्प्ट करेंगे आंसर के लिए चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर किया होगा देखिए सर क्वेश्चन क्या दिया गया था सर हम क्यों कह रहे हैं आपको एक वीडियो को पास कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए ताकि हम जो है कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज़्यादा सिखा सकें कंसेप्ट क्या है सर गिवन कंडीशन है ए इज परपेंडिकुलर टू बी ए परपेंडिकुलर अगर बी के पास होगा हमें क्या पढ़ा है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द कंडीशन दंडीशन जो कंडीशन आपके पास जो एग्जिस्ट होगी वो ये होगी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा सर वो इतना बड़ा जीरो होगा दिस मीनज दैट इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिस मीन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू जीरो अच्छी बात है सर अब ए डॉट बी कैसे करते हैं सर ए कंपोनेंट इसका आई का कंपोनेंट क्या है सर वन है इसका कितना है माइनस तीन माइनस तीन इंटू वन कितना हो गया सर माइनस थ्री यहां माइनस वन है यहां आपके पास पी है तो आपके पास कितना आ गया सर माइनस टाइम्स पी यहां प्लस थ्री है वहां प्लस टू है थ्री टू से कितना हो गया सर सिक्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जीरो आ जाएगी इसका मतलब छह और तीन कितने हो गए छह में से तीन काटेंगे तो तीन हो गए तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर थ्री तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर आ जाएगा कंडीशन सर दो ही याद रख दीजिएगा इफ टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देर डॉट प्रोडक्ट इज इफ टू टू जीरोस आर पर्ल देन देर क्रॉस प्रोडक्ट इज़ जीरो अगर दो दो वेक्टर्स, ए जो है ये परल होगा बी को तो कंडीशन रख दीजिएगा कि ए जो होगा और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये आपके पास जीरो होगा ये या याद रख दीजिएगा ठीक है जी अच्छी बात है तो जीरो वेक्टर ले ली लीजिएगा क्योंकि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट वायर द डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट ये चीजें सीखी हुई हैं पड़ी हुई हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे जो दोस्त-दोस्त पहले से जुड़े हैं बेहतर है सर जो नए शादी जुड़े हैं उनसे गुजारिश करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे निवेदन करेंगे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही सर ये बात जो है अच्छे से बनेगी चलिए सर चलिए भाई साहब क्वेश्चन आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप टेन आपके स्क्रीन के ऊपर

चलिए सर सोल्यूशन करते हैं इसका देखिए सर कंसेप्ट क्या है कंडीशन है दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है सिखाया हुआ है इफ टू वेक्टर्स आर आर परपेंडिकुलर तो हम कंडीशन लेते हैं कि अगर आपके पास ए एक वेक्टर है सर दूसरा आपके पास बी वेक्टर है अगर ये दो वैक्टर्स आपके पास कोलिनियर होंगी तो कंडीशन आपके पास ले, ले लिख सकते हैं कि हम ए को लिख सकते हैं ए कैन बी रिटर्न बी वाई स्केलर या हम बी को लिख सकते हैं हैंट बी इज इक्वल टू म्यू टाइम ए बायर म्यू एंड लेमड़ा आर यानी स्केलर्स तो ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि घूम कंडीशन बोली गई है डेट ए एंड बी आर कोलिनियर वैक्टर्स सर इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं ए जो है हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लेमड़ा टाइम्स बी अब हमें पता क्या करना है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डेट वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी तो हम किस तरह से लिखेंगे ए को सर ए ही ए ही लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बी के जो बी की जगह पर आपके पास ये रख दीजिए और आसान बना देंगे चली, चली, सर चलिए चलिए ए किसके बराबर सर यहाँ पर लमना टाइम्स बी लिख दिया सर लमना टाइम्स बी क्रॉस विद किसके साथ आ रहा है सर बी के साथ ये किसके बराबर आ जाएगा सर लैम्डा ऐसे ही रहेगा बी क्रॉस बी बी क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा सर क्योंकि आपके पास दो वेक्टर्स के बीच में आपके पास सेम वेक्टर्स हैं एंगल कितना हो गया सर जीरो साइन जीरो कितना हो गया सर जीरो हो गया तो ये जाए, इंटू जीरो सही आंसर बन के आ जाएगा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है, है सर किसके बराबर होता है जीरो ठीक है जी आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है सर इसको आप ले सकते हैं वन के बराबर ठीक है जी क्योंकि आपके पास ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है अगर आपको पता होगा सर ए क्रॉस बी दो वैक्टर्स का सर जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ़ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन के चीज हमने पड़ी हुई है अब क्योंकि आपके पास दोनों फैक्टर सेम है ए और ए आ रही है इसके मतलब एंगल दोनों में कितना है सर जीरो है ठीक है जी तो साइन जीरो कितना हो गया सर साइन जीरो इस जीरो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जीरो आ जाएगी ये आपने कंसेप्ट यहां पर अप्लाई कर दिया तो सीधा याद रख दीजिए ये सारा सारा जो है पढ़ाने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि आप याद रख दें कि जब भी आपके पास कंडीशन ऐसी दी जाएगी कि कभी आपके पास दो वेक्टर दिए जाएंगे वो अगर आपके पास को लीनियर होंगे तो हमेशा याद रखिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा बात खत्म हो गई चलिए जी चलिए सर क्वेश्चन नंबर एलेवन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर एक पंद्रह दिया गया है आपको ए बी सी डी ए बी सी डी एज ए पलोग्राम यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ग्राम बाई इट ए सी जो आपके पास एक डायगनल है उसका जो वैक्टर दिया गया है वो ए दिया गया है बी डी जो वैक्टर है आपके पास जो डायगनल सेकेंड है उसका जो वैक्टर दिया गया है वो बी दिया गया है डाटा इज आपके पास ए सी डायगनल है सर ये आपके पास ए वैक्टर से डिनोट की गई है और जो आपके पास बी डी है ये आपके पास वेक्टर से डिनोट की गई है अब आपको पता करना है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी चलिए सर वही बात दोहराएंगे वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे चलिए भाई लोग समझेंगे उम्मीद करेंगे कि आप दोस्तों ने जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा देखिए सर हमने कंसर्ट पढ़े होते हैं कि अगर आपके पास इस तरह के दिए जाए कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम दिया जाएगा उसके जो डायगोनल्स हैं उनके वेक्टर्स दिए जाएंगे तो आपके पास हमेशा आपके पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो उस सूरत में कितना हो जाता है सर वन बाई टू आपके पास हमेशा होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वायर ए एंड बी आर दैक्टर्स ऑफ दिस डायगोनल्स तो आपके पास सोल्यूशन क्या कितना आ जाएगा सर वन बाई टू इंटू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इसको आप सॉल्व करेंगे यही आपके पास आंसर आ जाएगा याद रख दीजिएगा यह बात जो है अच्छे से आप जो है समझ के रख दीजिएगा इफ ए एंड बी आर दर द ऑफ किसके जो आपके पास डायगेनल हैं जैसे ए सी डायगेल है बी डी दूसरा डायगेनल है तो उस सूरत में आपके पास जो एरिया वेरी प्रोग्राम आ जाता है वो ऑफी वन बाई टू इंटू मैगनीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वैक्टर हमेशा आ जाता है इसके बरके अगर आपके पास कभी ऐसा दिया जाए सर ये आपके पास एक पोलोग्राम आ रहा है ठीक है जी अच्छे से आप समझेंगे बात को ए आपके पास है बी आपके पास है सी आपके पास है डी आपके पास है अगर आपके पास ये जो ए ए बी है ए बी है इस वेक्टर का आपके पास ए वेक्टर आ रहा है ये जो आपके पास ये वाला ए डी है इसका जो आपके पास आ रही है वेक्टर इसे हम बी से नोट हैं तो इस सूरत में जो आपके पास एरिया आ जाएगा इस सूरत में आपके पास एरिया जो है वो आपके पास ए A... क्रॉस बी इसका ही आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये आपके पास सोलूशन आंसर बन के आ जाएगा ख्याल रखना सर बिल्कुल भी घूमना नहीं है अगर डायगनल्स का दिया जाए तो वन बाई टू आप ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड ले, ले लेंगे अगर सीधा सीधा आपके पास एडजस्टन साइडस का दिया जाए तो आप ले लेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सीधा सीधा अगर आपके पास ए बी जो है इस इसे आप ए से नोट करें डैट इज़ ए बी जो वैक्टर है वो आप ए से नोट कर रहे हैं इसी तरह से अगर आपके पास ए डी यहाँ पर जो है वो आप अगर बी से डिनोट कर रहे हैं तो इस सूरत में आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो आपके पास मैगनीट्यूट ऑफ ए क्रास बी आ जाएगा लेकिन अगर आपके पास दो डायग्नल दिए जाएंगे उनके आपके पास वैक्टेराज दिए जाएंगे जैसे यहाँ ए के लिए आपके पास ए डिनोट किया गया था बी के लिए आपके पास बी डिनोट किया गया तो तब आपके पास जो सोल्यूशन है जो आंसर है वो आपके पास एरिया वन बाई टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ़ ए क्रास बी आ जाएगा तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है समय लेनी है चलिए सर आगे बढ़ेंगे गुजारिश करें आप दोस्तों जी अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ आना चाहिए सर मोटिवेट करते रहिए आप दोस्त तो ही बात चलिए सर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्ल आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर कीजिए अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन में बोला गया है सर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस होल स्क्वायर इसकी वैल्यू आपने ढूंढनी है बतानी है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चार ऑप्शन आपके पास हैं देख सकते हैं ए ऑप्शन आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इस तरह से बाकी चार ऑप्शन आपके पास हैं वीडियो को दोस्तों पास कीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका सही आंसर बिल्कुल दिया होगा चलिए सर करना कैसे है क्या चीज़ पड़ी होती है हमें पता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पहले हम पढ़ेंगे सर इसकी वैल्यू आपके पास जो आपके पास ये कंसेप्ट होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ़ ए मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी सर इसकी वैल्यू कितनी होती है क्योंकि आपके पास पता है सर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ़ ए इंटू मैगनीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीठा सर ये चीज़ हमें पढ़ी होती है अब अगर आपको इसका स्क्वायर लेना होगा तो मतलब इस सारे के सारे का आपने क्या लेना है सर स्क्वायर लेना है

कॉस स्क्यर ठीक क्योंकि आप दूसरे को पता है कि साइंस का ठीक प्लस कॉस क्या ठीक हमेशा वन के बराबर होता है तो यहाँ से आप क्या देंगे सर वन ये के पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्यर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ़ बी का होल स्केयर इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको ठीक हो गए सर अब इस, इस सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस कॉस क्या ठीक माइनस टाइमस यहाँ पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल ऑफ बी का होल चलिए सर ये तो हमने आपको पढ़ा दिया याद रख दीजिएगा इंटू कॉस क्या अच्छी बात है सर तो इसका कितना लिख सकते हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ़ बी स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे माइनस टाइमस मैग्नीट्यूड ऑफ अगर आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैगनीचुर इंटू कॉस थीटा सारे को अगर हम ऐसे लिख लें सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैगनीचर बी इंटू कॉस ठीटा इस सारे को होल स्क्वायर ले लें तो आप में से कोई भी दो जो है घूमेगा नहीं क्योंकि सबको हमने एक स्वयर स्क्वायर ले लिया अब देखिए यहाँ पर क्या कम किया जाएगा सर मैगनीच्यूट ऑफ ए का होल स्क्वायर ऐसे ही बनेगा इंटू मैगनीूचर बी का होल स्क्वायर ऐसे ही बनेगा ठीक है जी माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैगनीचर ऑफ़ बी इंटू कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है सर आप दोस्तों ने पढ़ा है कि मैग्नीट्यू ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यू ऑफ बी इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है सर ए डॉट बी तो आपने अपना होल स्क्वायर ले लेना है तो करेक्ट आंसर कौन सा है मैग्नीट्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यू इंटू मैग्नीट्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बन रहा है ये सर बिल्कुल जी यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपके पास आंसर आ जाएगा देखिए सर कंसेप्ट क्या था कंडीशन दी गई थी आपने पता करना था ए क्रॉस इसके मैग्यूचर और होल स्कैर निकालना था आपने बोला सर सबसे पहले स्क्वायर छोड़ दिए ए क्रॉस बी का जो मैगनीूचर होता है वो किसके बराबर होता है मैगनीचुर एंटू मैग्यूचर बी इंटू साइन ठीटा आप जब स्कैर लेने सबको आपने स्क्वायर ले लिया आपने अपना स्क्वायर सबको दे दिया स्क्वायर थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया तो आप यहाँ पर पहुँच गए तो जब आपको पता है सर ऑफ ए या आप ये ये सब आप वैक्टर्स का साथ साथ सिंबल ले लीजिएगा ठीक है जी अच्छी बात है ये आप कर लेंगे यहाँ कोई परेशानी नहीं है तो आपने ले लिया क्या मैगनीच ए इंट मैग्नीच बी इंटू साइन के बराबर होता है सर ए डॉट बी के बराबर तो ए डॉट बी होल स्क्वायर से आ जाएगा और मैगनीच ए स्क्र मैगनीच बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर इस तरह से जो है ये स्क्प्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा तो सर ऐसा क्वेश्चन आपको जो है इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को, देखने को मिलेंगे डॉट प्रोडक्ट पर क्रॉस प्रोडक्ट पर आपके जो प्रोजेक्शंस हैं उन पर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे इन्हीं कंसेप्टी आपके पास जो क्वेश्चन है वेक्टर्स पर घूमेगा चलिए सर आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगर सीख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए ठीक है, है जी अच्छी बात है चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से सर ए एक वेक्टर दिया गया है टू आई क्या प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप बी और एक वेक्टर दिया गया है थ्री आई प्लस फाइव जे कैप माइनस टू के कैप यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वही बात फिर से हम आप दोस्तों को बोलेंगे कि वीडियो को आप पास करेंगे और आंसर जो है इसका अटेम्प्ट करेंगे चलिए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं तब तक ऑप्शन आपके पास आ रहा है सर अंडर रूट ऑफ फाइव जीरो थ्री बी ऑप्शन आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ फाइव जीरो एट ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ फाइव जीरो सेवन एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ थ्री एट सेवन ये आपके पास ऑप्शन हैं अब आप कीजिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा चलिए सर करना कैसे है आप देखिए इसको करना क्या है आपको पता क्या करना है यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है इससे जरूरी क्या है सर आपको पहले एक क्रॉस बी पता होना चाहिए तभी आप जो है इसके मैग्नीट्यूड पर पहुंचेंगे तो करेंगे सर एक क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है सर ठीक है यह हमने पढ़ा है आप किस तरह से लेंगे सर इसको या आपके पास आई कैप हो गया या आपके पास जे कैप हो गया या क्या के कैप हो गया डिटर्मेंट के माध्यम से करेंगे सर बहुत आसानी से चलिए ये आपके टू वन और थ्री यहां से आप लेंगे टू वन और थ्री यहां से आप थ्री फाइव और माइनस टू लेंगे थ्री फाइव माइनस टू अब सालो करेंगे इस दि, इस डिटरमिनेंट को चलिए जी कीजिए सालों इन दोनों का ऑप्शन है टू वन जर टू माइनस टू हो गया सर ये चलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इन दोनों का ऑप्शन मल्टीप्लाई फिर माइनस दोनों को माइनस टू माइनस फिफ्टीन कितना हो गया सर आपके पास माइनस सेवनटीन आए क्या अपना साथ में है माइनस टर्मिनस जे यहाँ से लेंगे टू फाइव जेर टेन टू टू जर फोर माइनस फोर इन दोनों का ऑप्शन माइनस फोर माइनस नाइन कितना हो गया सर वो माइनस फोर और माइनस नाइन माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन और यहाँ से माइनस वन कितना हो गया सर पुलिस तो यहाँ से आ गया सर थर्टीन जे कैप अच्छी बात है सर पुलिस टाइम्स यहाँ आपके पास के के क्या क्या लेंगे पुलिस में के के साथ फाइव टू द टेन टेन माइनस थ्री कितना हो गया सर सेवन ठीक है जी तो सेवन के कैप ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई सर ए करॉस बी की यहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आपने डिटर्मिनेस मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं तो यहाँ आप सीधा सीधा जो है इसका आंसर दे देंगे कोई परेशानी आप दोस्तों को यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ये कुछ कुछ नहीं किया सर हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है आई कैब के साथ ये आ गया टू टू वन जर टू या आपके पास माइनस टू यहां फाइव थ्री जर फिफ्टीन तो माइनस टू तो और माइनस फिफ्टीन कितना हो गया सर माइनस सेवनटीन हमने लिख लिया आई कैब जे के साथ टू टू जर यहां से फोर हो गया माइनस फोर और थ्री थ्री जर नाइन तो यहाँ से कितना हो गया सर टू टू जर फोर और थ्री जर नाइन वो कितना हो गया सर तेरह ठीक है नो यहाँ पर थर्टीन है सर सॉरी के पास थर्टीन हो गया थर्टीन जे कैप और यहाँ के के साथ देखें टू फाइव टेन माइनस थ्री हो गया सर सेवन सेवन के कैप अब अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं आप इसका किसी वैक्टर का अंडर रूट आप. 17, 17 का होल स्केयर पुलिस थर्टीन का होल स्क्वायर पुलिस टाइम सेवन का होल स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा सर सेवनटीन का होल स्क्वायर कितना हो गया टू हंड्रेड एंड एटी नाइन थर्टीन का होल स्क्वायर कितना हो गया वन सिक्सटी नाइन तो सेवन का होल स्क्वायर कितना हो गया फोर्टी नाइन No, no, no हो गए सर सताईस सात छः चार दस दस और आठ अठारह उन्नीस और बीस दो दो चार और एक पाँच तो अंडर रूट ऑफ फाइव जीरो सेवन जो है इसका सही आंसर आपके पास बन के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ फाइव जीरो सेवन कौन सा ऑप्शन उप्षेन है ऑप्शन नंबर सी मार्ग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे देखिए सर क्वेश्चन क्या था आपके पास दो वैक्टर दिए गए ए और बी पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक क्रॉस बी तो एक क्रॉस बी आप कैसे करते हैं सबसे पहले आप एक क्रॉस बी निकाल देंगे दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो आपने आई क्या, के क्या लिख लिया यहां से 2 1 3 2 1 3 यहां से 3 5 minus 2 3 5 2 इस डटमेंट को आपने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई सर ये जो है ये वैल्यू आपके पास आ गई एक क्रॉस बी की अब आपको एक क्रॉस बी पता चल गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक क्रॉस बी निकालना तो बहुत आसान सर अंडर रूट ऑफ माइनस सेवनटीन का स्क्वायर प्लस थर्टीन का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ फाइव जीरो सेवन इसका आपके पास सही आंसर बन के आ जाएगा चलिए दोस्तों सीख रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ आना चाहिए सर चलिए जी सर अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है क्या पूछा जा रहा है भाई पूछा जा रहा है फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रेंगल एक ट्रेंगल है उसके साथ तीन पॉइंट दिए गए हैं ए उसके साथ कॉर्डिनेर दिए गए हैं बी उसके कार्डिनेट हैं सी आपके पास उसके तीन सीज हैं इस ट्रेंगल के पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वेरी ट्रेंगल चलिए सर ऑप्शन आपके पास दे देते हैं तब तक आप दोस्त जो हैं आप इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे आंसर देने की चलिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या है इसके देख लेते हैं ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सर 1 बाई टू अंडर रूट ऑफ टू बी ऑप्शन आपके पास आ रहा है 1 बाई टू अंडर रूट ऑफ वन ऑप्शन सी आपके पास कितना रहा 2, पास आ रहा है सर 1 बाई टू अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है सर वन बाई टू ये आपके पास सर चार ऑप्शन है वीडियो को पास करेंगे और अटैम्प्ट करेंगे चलिए सर उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से आंसर दिया होगा देखिए सर हमने आपको क्या पढ़ाया है किस तरह से हम करते हैं सर ये चीज़ आपने पढ़नी है हम हमारे पास फॉर फार्जम्पल ये है आपके पास ट्राइंगल आ गया ये इस तरह से हम मान रहे हैं सर ये पास एक पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है या के पास तीसरा पॉइंट है अब कोई भी दो सर इसके जो साइड हम मान रहे हैं सर ए बी और ए सी फॉर फार्जाम्पल हमने ले लिया ठीक है जी तो आप ले लेंगे अगर आप आप आपको पता है हमने पढ़ा है किस तरह से कंसेप्ट लेते हैं चलिए सर इसको सॉल्व कर देते हैं अब हम लेंगे सर इन दो पॉइंट्स को मिलाकर फॉर हमने सर एक वैक्टर ए भी ले लिया वैक्टर ए भी किसके बराबर आ जाएगा सर बी के कॉर्डिनेट माइनस इसके कॉर्डिनेट तो वन माइनस वन कितना हो गया सर जीरो जीरो आई कैप तो लिखने की जरूरत नहीं है तो सीधा हम जे कैपर पहुँचेंगे टू माइनस वन कितना हो गया सर वन इज जे कैप आ जाएगा थ्री माइनस वन कितना हो गया टू प्लस टू टाइम के कैप ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई वैक्टर ए बी इस तरह से आप वैक्टर ए सी देखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टू माइनस वन हो गया सर वन आई कैप थ्री माइनस वन कितना सर टू जे कैप यहां से आप वन माइनस वन हो गया जीरो के कैप जीरो आ जाएगा लिखने की जरूरत नहीं है तो ये आपके पास ए बी इंटू ए सी दो वैक्टर्स आ गए अब आपको पता है सर एरिया ऑफ ट्रैंगल किसके बराबर होते हैं आप दोस्तों को पता है एरिया ऑफ ट्रैंगल इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ किसका ए बी क्रॉस ए सी ठीक है जी ये चीज हमने पढ़ी है जिन दोस्तों ने हमारे वेक्टर की देखी देखिए हमने पढ़ाया है कि एरिया पे ट्रायंगल इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी क्रॉस ए सी चलिए अब आप कैसे करेंगे इस चीज़ को कंसेप्ट किस तरह से याद रखेंगे देखिए अब हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी हमें चाहिए तो लेंगे सर ए बी क्रॉस ए सी वो किसके बराबर आ जाएगा सर वो आपके पास आ जाएगा इस तरह से आई कैप ये आपके पास जे कैप के कैप क्योंकि हमने यही डिटरमिनेंट के माध्यम से पढ़ा है तो लेंगे सर इसका आई के साथ जीरो है यहां टू है यहां पर वन है सर जे के साथ यहां पर वन है और यहां पर आपके पास टू हो गया यहां पर वन हो गया यहां पर टू हो गया और यहां पर जीरो हो गया अब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी चलिए सर देखते हैं ये आपके पास आई कैप के, के साथ जीरो माइनस फोर तो ये आपके पास आ जाएगा सर माइनस फोर आई कैप माइनस में आपके पास जीरो माइनस टू हो गया सर प्लस टाइम इज टू जे कैप प्लस में आपके पास आ जाएगा सर जीरो जीरो माइनस वन तो माइनस के कैप ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए बी क्रॉस ए सी की ठीक है जी आपको मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है सॉल्व करना आता है ये हम उम्मीद कर रहे हैं मान रहे हैं अब हमने क्या निकालना है सर हमने निकालना है चलिए सर अब क्वेश्चन हम रब करें क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वो किसके बराबर आ, आ जाएगा सर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा देखिए सर इसका क्या है सर माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो, हो गया सर सिक्सटीन टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर माइनस वन का स्क्वायर कितना हो गया सर वन ही तो ये कितना हो गया सोलर चार बीस और एक इक्कीस अंड रूट ऑफ ट्वेंटी वन अब आपको पता है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है वन बाई टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वो किसके बराबर आ जाएगा सर वन बाई टू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वन तो यही आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टू ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है वन डिवाइड बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा ठीक है जो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने क्या कंसेप्ट सीखा कि अगर आपके पास कभी ट्रेंगल दिए जाएगा उसके तीन वर्टिसी ए बी सी दिए जाएंगे उन तीन वर्टिसी के माध्यम से आपने दो सर वेक्टर्स बना लिए ए बी और ए सी बना लिया ठीक है जी अब आपने ए बी क्रॉस ए सी ले लिया जो आपके पास एरिया ऑफ टैंक निकलेगा हमेशा आपके पास वन बाई टू इंटू मैगनीच्यू ए बी क्रॉस ए सी निकल के आता है तो ये चीज आपने निकालनी है पहले आप ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू निकालेंगे विद हेल्प ऑफ दिस विद्पमेंट आप सॉल्व करेंगे ए ए बी क्रॉस सी की वैल्यू आपके पास ये ये वेक्टर आ जाएगा फिर इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है वो किस तरह से निकालते हैं अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ रूटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ इसके इसके साथ जो क्वेश्चन करेंगे सबका आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर जो है वन बाई टू अंडर ट्वेंटी वन इतने यूनिट्स जो है इसका एरिया आपके पास आ जाएगा ठीक है स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर एरिया आ जाएगा चलिए सर आगे बढ़ेंगे

कैप ले कैप इसकी वैल्यूरोक्टर आ रही है सर आपको दे देते हैं. तब तक आप दो का आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपके आप पास ऑप्शन दिए गए हैं सर लेमड़ा इज इक्वल टू फोर एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है बी ऑप्शन आपके पास आ रहा है लेमड़ा पास आ रहा है, none of these. करेंगे और आंसर जो है देंगे चलिए आपने वीडियो को पास करना है क्वेश्चन को उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा अब देखिए कंडीशन आपके पास क्या दी गई है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जीरो दिया गया है अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सर बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मेंट आई कैप ये जे कैप और ये आपके पास के कैप है अच्छी बात है यहाँ क्या है सर टू सिक्स और ट्वेंटी सेवन लिखेंगे ट्वेंटी सेवन यहाँ क्या है वन लेमड़ा और म्यू यहाँ आपने वन लेमड़ा एंड म्यू ठीक है ये अननोन है आपने ले लिया अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ठीक है आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स सिक्स इंटू म्यू माइनस टेम एस ट्वेंटी सेवन लेमड़ा कैप ठीक है जी माइनस टाइम क्या आ जाएगा सर जे कैप के साथ क्या आ जाएगा आपका माइनस टाइम जे कैप के साथ टू टाइम यू इन टू ट्वेंटी इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का ऑफिस मल्टीफाई माइनस टाइम ट्वेंटी सेवन ये आपके पास आ जाएगा सर जे कैप ठीक है जी आगे आ जाएगा आपके पास प्लस टाइम के कैप के साथ क्या आ जाएगा इन दोनों का ऑफिस मल्टीप्लाई हो गया सर टू टाइम लैमरा माइनस सिक्स वनजर सिक्स माइनस सिक्स तो ये आपके पास हो गया के कैप तो आपके पास सीधा सीधा कहें तो ये इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई तो यह आपके लिए और आसान करके लिख लेते हैं ताकि आपको जो है बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो समझने के लिए तो ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ये हम रब करेंगे तो सीधा सीधा हम लिख लेंगे अब आपके पास कि जो आपके पास ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास सिक्स टाइम्स म्यू माइनस ट्वेंटी सेवन टाइमज़ लेमडा इन आई कैप माइनस टाइम्स टू टाइम्स म्यू माइनस ट्वेंटी सेवन ये आपके पास हो गया सर जे कैप और आपके पास कितना आ जाएगा सर यहाँ प्लस टाइमस टू टाइमस लैमडा माइनस सिक्स टाइमस ये आपके पास के कैप इसकी वैल्यू कितनी है सर सर जीरो वेक्टर दी गई है इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब सीधा सीधा है कि आई कैप के साथ जो भी है वो आपके पास जीरो है ये जो है ये कंडीशन जो है ये वाला कंसेप्ट जो है जो सिक्स म्यू माइनस ट्वेंटी सेवन सर ये इसकी वैल्यू कितनी है सर इसकी वैल्यू जीरो है यह आपके पास ये जो आ रहा है टू टाइम्स म्यू व्यू माइनस ट्वेंटी सेवन सर इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू जीरो है और ये जो आपके पास आ रहा है टू टाइम्स लेमड़ा माइनस सिक्स इसकी वैल्यू कितनी है सर इसकी वैल्यू ज़ीरो है यहाँ से लेंगे यहाँ से अगर आप देखें तो लेमड़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सिक्स इस तरफ जाएगा सिक्स डॉट में टू कितना हो गया सर थ्री हो गया इस वाली इक्वेशन से देखेंगे तो टू टू टाइम म्यू कितना आ 27 तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई टू ट्वेंटी सेवन अब देखिए एक गिवन ऑप्शन कौन सा आपसे बन रहा है लेमडा इज इक्वल टू तो थ्री एंड म्यू इज इक्वल टू 27 सेवन डिवाइड बाई तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं बिल्कुल हुबहू ऐसा ही आपको मिल रहा है यही आपके पास सही आंसर आ जाएगा ऐसा इस तरह से आपने जो है कंसेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आपके पूछा जा सकता है आपके जो कंसेप्ट हैं आपके जो फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे यकीन मानिए अगर आप दोस्तों ने हमने जो आपके साथ एक प्ले बनाई हुई है जेके से बी अकाउंटिंग फाइनेंस की एक आपके बेहतरीन प्ले बनी हुई है उसमें से हर एक टॉपिक पर हमने पांच पांच छह चीज वीडियोज दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए फिर अलग से आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं फिर अलग से एम किए हुए हैं ताकि आपको जो है बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए अब जो ये क्लासेस चल रही हैं, इनका मकसद सिर्फ

दीजिए तो ही बात बनेगी चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का बिल्कुल इस बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है मैग्नीट्यूट ए ए और बी आपके पास कोई दो वेक्टर्स दिए गए थ्री के बराबर है मैग्नीट्यूट ऑफ बी अंडर रूट टू बाई थ्री के बराबर है अगली कंडीशन है सर ए क्रॉस है पूछा जा रहा है कंडीशन वो बताइए जिस कंडीशन पर ए क्रॉस बी जो है वो यूनिट वेक्टर बन के आ जाएगा जो जब आपके पास एंगल इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए मोटे मोटे अल्फाज में, में हम सीधा आपको बोलते ए और बी दो दिए गए हैं का मैग्नीट्यूड तीन के, के बराबर है बी का मैग्नीट्यूड मैगनीट्यूडर थ्री के, के बराबर है बोला जा रहा है कि यू हैव टू कंडीशन आपके पास उधर से ही बोली गई है कि ए क्रॉस बी जो है यूनिट यूनिटर है इस सूरत में आपके पास पूछा गया है वट वुड बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी ऑप्शन चार बिल्कुल बखूबी आपके पास दिए गए हैं अटैम्प करेंगे वीडियो को पास करके चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर बड़े बेहतरीन तरीके से दिया होगा देखिए सर करना कैसे है अब हम सिखा रहे हैं देखिए सर दे ये तरीका जो है ये अटैम्प्ट क्यों रहे हैं आपके पास हम बोल रहे हैं आपको वीडियो पास कीजिए फिर आप यहाँ आइए करने का सर मकसद इतना ही है कि सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ आप यहाँ आग लगा के देख के नहीं जाएँ मकसद हमारा ये है कि आप अटैम्प्ट करें फिर देखें भाई हम कहीं पर अटक तो नहीं रहे अटक रहे हैं तो क्यों अटक रहे हैं अगर हम कर रहे हैं तो क्यों लंबे से कर रहे हैं आसान तरीके से क्या हो सकता है करने का वही चीज़ करने का मकसद यही है अगर आप सीधा मोबाइल हाथ में लेकर या अपने लैपटॉप पर बैठे हैं देख रहे हैं सर इससे बेहतर आप यकीन मानिए इससे बहुत बेहतर रहेगा आप जो है यहाँ यहाँ चले जाइए तो कोई ना कोई अच्छे से मज़े से कोई सीरीज देख देखिए और कोई वेब सीरीज का आनंद लीजिए अगर सर इस क्लास में आए हैं तो प्लीज़ पेपर हाथ में रखिए और अटैम्प्ट कीजिए तो ही मजा है क्योंकि सर जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक सर बात नहीं चलेगी कितना भी आप कहीं से वीडियो देख के चले जाएं मैथमेटिक्स में ये यकीन मानिए आप जितने जितना भी आप वीडियो देख के जाएंगे कितने भी आप देख के चले जाएं फिर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा आप अटकेंगे जरूर अटकेंगे लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट किए होंगे अगर यहां हमने आपके पास पचास क्वेश्चन कराए आपने पचास के बजाय हंड्रेड क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट किए तो बात बनेंगे आप में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाए तो चलिए सर फिलहाल आप देखिए इसको करना क्या है अब आपके पास बोला गया है कि एक क्रॉस बी जो है एक यूनिट वेक्टर है यूनिट वैक्टर जब भी हम आपके दिमाग में आ जाए तो ये समझ लीजिए जब भी आपके पास यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूट कितना होगा सर हमेशा वन होगा इसका मतलब ये है कि एज इट इज गिवन डेट एक यूनिट वैक्टर जिसका मतलब यह होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है यह किसके बराबर होगा सर किसके बराबर होगा इतने बड़े वन के बराबर होगा अच्छी बात है अब एक क्रॉस बी का मैगनीच्यूड आपने निकालना है वो किसके बराबर होता है सर मैगनीटू एक क्रॉ बी किसके बराबर होता है सर मैग्नीटूड ऑफ ए अच्छी बात है सर इंटू मैगनीट्यूड ऑफ बी ठीक है जी इंटू साइन थीटा मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई है सर वन के बराबर दी गई है मैग्नीट्यूड ऑफ़ ए इसकी वैल्यू गिवन है सर थ्री दी गई है मैग्यूज बी इसकी वैल्यू गिवन है सर अंडर रूट ऑफ टू डॉइड बाई थ्री दी गई है तो साइन थीटा जो है अननोन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर वन आ गई यहां से थ्री थ्री कैंसिल आउट कर देंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर वन डाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू अब सर ये वैल्यू जो है बच्चे बच्चे को पता होती है किन अंडर रूट ऑफ टू कितना साइन थीटा होता है इसका मतलब सर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा साइन फोटी फाइव डिग्री फाई बाई फोर के बराबर आ जाएगा मतलब आपके पास जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा सर फाइव बाई फोर के बराबर आ जाएगा मतलब सबको पता होती है सर साइन पैंतालीस की वैल्यू जो है वन बाई अंडर टू है अंडर ओ टू है सबको पता होती है लेकिन कुछ हमारे जैसे भी होंगे जिन्हें सर नहीं पता है जो याद नहीं कर पाते हैं जिन्हें नहीं रहता है पढ़ पढ़ के भूल जाते हैं सर हमारे जो साइन की साइन थर्टी साइन ट जहाँ के पास वैल्यूज़ हैं साइन सिक्सटी कितना है बाकी साइन नाइनटी कितना है तो उनके लिए जो है वही जो आपके पास बचपन से पढ़ा था वही आपके पास फोर्टी फाइव डिग्री, डिग्री, डिग्री हो गया जो बचपन में पढ़ा है बस उसके करते भाई तो उम्मीद करेंगे बड़े तरीके से आपने रिवाइज किया होगा समझ लिया होगा किस तरह अगर आपके आते हैं तो आप जो है बड़े अच्छे से आंसर दे पाएंगे चलिए सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप दोस्तों के साथ सीख रहे हैं दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ आना चाहिए तो ही मजा है इस क्लास का तो आनंद बनेगा चलिए सर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है भाई पूछा जा रहा है आपके पास दो हैं ए और बी दिए गए हैं इनके साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी आपके पास जीरो है जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी आपके पास जीरो है पूछा जा रहा है जब ये कंडीशन आपके पास आ जाए कि ए डॉट बी इज इज इक्वल टू जीरो विच आर फॉलोइंग इज ट्रू चार ऑप्शन आप दोस्तों के पास ऑप्शन ए डेफिनेटली कौन से इनमें बात जो है जरूर होनी चाहिए ऑप्शन ए के आज मैग्नीट्यूट ऑफ ए जो है वो जीरो के बराबर होने आएगा ऑप्शन बी मैगनीच्यूट ऑफ बी जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा सी ऑप्शन आपके आपके पास पास वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी को ऑप्शन डी क्या आपके पास वेक्टर ए जो है वो पलर है बी को चलिए जी वीडियो को पास करेंगे और खुद अटेम्प्ट करेंगे उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा चलिए सर क्वेश्चन कैसे करना है इसका आंसर हम समझते हैं क्या करना है भाई देखिए पहली कंडीशन आपके पास जो दी गई है पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं पहली कंडीशन क्या है सर कंडीशन नंबर वन आपके पास चलिए सर ए ले लेते हैं कंडीशन नंबर ए दी गई है सर आपके पास ए डॉट बी जो है ये किसके बराबर है सर ये जीरो के बराबर है ये जीरो के बराबर कब होती है सर इसके लिए आपके पास दो दो कंडीशन होनी चाहिए दो में से कोई एक कंडीशन अगर हो जाती है तो आप जीरो ले लेंगे या तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ये जीरो के बराबर हो जाए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है ये जीरो के बराबर हो जाए एक कंडीशन यह है या ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास ए भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ़ बी भी अगर जीरो के बराबर डेट इज बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो वैक्टर्स आपके पास ए मैग्नीट्यूड भी आपके पास जीरो नहीं है मैगनीचुरा बी भी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है और आपके पास किसके बराबर आते हैं क्योंकि ए डॉट बी किसके बराबर होता है सर ए ए बी थीटा जो आपके पास कॉस थीटा है आपके पास Mechanics थीटा है ये आपके पास किसके बराबर आना चाहिए कॉस थीटा जीरो के बराबर आना चाहिए मतलब ए जो है वो, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बी को क्या समझ गई समझ गए आप बात अगर आपके पास ए डॉट बी जीरो के बराबर है तो या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या तो ये कंडीशन होनी चाहिए तो ही बात बनेगी ये कहने का मतलब यह है कि या तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैगनी जीरो के बराबर होना चाहिए या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो के बराबर होना चाहिए इन या तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए कि ए जो है वो परपेंडिकुलर बी को होनी चाहिए ये तो हो गया सर किसका किसका हमने ख़त्म कर दिया काम ए डॉट बी का दूसरा काम क्या है सर ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी अगर जीरो के बराबर दिया गया है तो ये कब होगा इसके लिए भी सर दो कंडीशन हैं वो दो कंडीशन कौन कौन से हैं सर एक कंडीशन यहाँ लिख लेंगे दूसरी कंडीशन यहाँ लिख लेंगे एक कंडीशन ये है कि या तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ तो बी जो है वो जीरो के बराबर होने चाहिए या तो ये जीरो के बराबर होने चाहिए या तो ये बराबर जीरो के होने चाहिए या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो ए है ये परलर होना चाहिए बी के क्योंकि आपके पास तब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा जीरो आ जाएगी मतलब थीटा जो है वो आपके पास जीरो डिग्री होनी चाहिए मतलब ए पंद्रह होना चाहिए बी को तो कंडीशन क्या हो गई आपके पास दिया गया था ए डॉट बी जो है जीरो के बराबर है ए क्रॉस बी जो है जीरो के बराबर है दोनों ये दोनों के दोनों जो है वैलिड है तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी या तो आपके पास ये, पर, ये या तो ए ऑफ ए जीरो बराबर होना चाहिए या तो मैगर बी जीरो के बराबर होना चाहिए या तो ये या तो यहाँ पर ये यह परपेंडिकुलर होना चाहिए यहां पर क्या बोल रहा है या तो इनका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर होना चाहिए या तो ये पैरेलल होने चाहिए अब पैरेलल और परपेंडिकुलर ये एक साथ हो नहीं सकते बात होते तो हैं या तो पर्ल होंगे या तो परपेंडिकुलर होंगे पर्ल और परपेंडिकुलर एक साथ नहीं हो सकते मतलब ये वाली कंडीशन आप छोड़ेंगे दोनों तरफ से तो कंडीशन कौन लेंगे सर ये लेंगे कि या तो आपके पास मैग्नीट्यूड ए जीरो के बराबर होना चाहिए या तो मैग्नीट्यूड मैं बी आपके पास जीरो के बराबर होना चाहिए अब देखिए ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सर क्या ए आ जाएगा सर नहीं आ जाएगा क्या बी आ जाएगा सर नहीं आ जाएगा क्या सी आ जाएगा सर नहीं आ जाएगा क्या डी आ जाएगा सर नहीं आ जाएगा तो आंसर क्या है हमने जौन बोल के उस पर सर आपको घुमाया था इसका करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा ईदर ए ऑप्शन ए और बी या तो आपके पास ये जीरो के बराबर हो जाए या तो ये जीरो के बराबर हो जाए ये कंडीशन बनेगी तो भाई कैसा लगा ये काम आपको कैसा लगा ये कंसेप्ट आपको ये समझ लेंगे आप चलिए इस क्लास को सर यहीं रखते हैं उम्मीद करते हैं कि भाई दीज क्वेश्चन आपके पास जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है आपके वैक्टर्स का ये रिवाइज हो गया होगा कोशिश की आप दोस्तों के साथ क्रैश कोर्स में आपके पास अच्छे से समझाने की फिर से रिवाइज करने की चीजों को गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना इसके साथ साथ एक बात और बता दें जिस दोस्त को भी कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी होगी उससे हम गुजारिश करेंगे प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने सिखाया हुआ है चीजों को यहां तो बस सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं जहाँ हमने हाथ उंगली पकड़ के आप दोस्तों को सिखाया हुआ है वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चलिए सर डू टेक योर बेस्ट केयर मिलते हैं सर अगली क्लास में टेक योर बेस्ट केयर